अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमार मुजाहिद है और हमारी कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ के चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज चल रही थी। लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन के बारे में सीखा था, तो आज इसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास फंक्शन जो गिवन है, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास जी एक्स माइनस 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3, और हमने चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3। यानी हम ये देखना चाहते हैं एक्स इज इक्वल टू 3 पर क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए लास्ट टाइम भी हमने देखा था तीन चीज़ें जो हमने चेक करनी होती हैं। सबसे पहले इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद हमने फंक्शन की वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट जो भी गिवन होगा उस पर फाइंड करनी है। दो बातें हो गई। थर्ड हमने चेक करना है क्या लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है या नहीं। तो इनको वन बाय वन चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं लिमिट कैलकुलेट करने से, और लिमिट में भी देखें, आपको पता है लास्ट एक्सरसाइज हमने पूरी लिमिट समतलिक की थी। एक्स माइनस 3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको रिमूव करते हैं, यानी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू बाई डेफिनेशन इसकी वैल्यू पॉजिटिव, यानी एक्स माइनस 3 कब आएगी, लिख लेते हैं इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ठीक है। एक्स जब आपका 3 या 3 से बड़ा होगा उसके लिए एक्स माइनस 3 है, और इसी तरह से जब आपका जो एक्स है वो 3 से छोटा होगा देन माइनस के साथ एक्स माइनस 3 आ जाएगा, ओके, एक्स इज लेस देन 3, ओके। सो अब हम देखें इसमें राइट लिमिट कैलकुलेट करनी है और लेफ्ट कैलकुलेट करनी है। बाकी आपको पता है राइट और लेफ्ट के लिए फंक्शन कैसे चूज करना है, तो पहले हम जरा राइट लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, और प्लस का साइन इंडिकेट करता है कि आप राइट लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और फंक्शन इस केस में आ जाएगा एक्स माइनस 3, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे पास एक्स माइनस 3 डिफाइन है। तो आप सिंपली इसमें लिमिट आप पुट करें 3 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये इसकी आ गई है राइट लिमिट। बिल्कुल सेम लाइंस पर अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट लिमिट, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, माइनस का साइन शो कर रहा है कि आप लिमिट जो है वो लेफ्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और इस केस में हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो माइनस के साथ एक्स माइनस 3 आ जाएगा, ओके। एंड अगर मैं यहीं पे इसको लिमिट इंसर्ट करूँ तो आप देख सकते हैं माइनस 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 चूँकि 0 होता है तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज इक्वल टू 0। सो राइट और लेफ्ट लिमिट जो है वो इसकी इक्वल आ गई है, दैट मीन्स आपकी लिमिट एग्जिस्ट भी करती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी लेफ्ट लिमिट एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0, और यही वैल्यू बेसिकली लिमिट की भी है, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स, ओके। सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया कि इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी थी। सेकेंड पे आ जाए, सेकेंड जो हमारा पॉइंट है उसमें हमने इसकी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3। यानी आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 मोड ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है। सो सिंपली आपने क्या करना है, 3 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की जगह 3 पर इंसर्ट कर दें। आप लिख सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 3, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर देता हूँ जी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखें लिमिट की वैल्यू भी वही आई थी, फंक्शन की वैल्यू वही आई है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का, उसमें फंक्शन आपका पर्टिकुलर पॉइंट जो गिवन है उस पर कंटिन्यूस है। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए, सवाल नंबर 2 हमारे पास गिवन है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और इसमें हमारे पास दो पीसेस गिवन है,
First one is x square minus 9 divided by x minus 3. Okay, और जो second आपका piece है, बल्कि ये जो first piece है, ये आपके पास define है जी, if x is not equal to 3. यानी जब x 3 के equal नहीं है, then ये function, और जब x equal to 3 है, then 0 define कर दिया. ठीक है, x की value जब 3 होगी तो 0 define कर दिया. और इसी continuity हमने check करनी है at x is equal to 3. ठीक है, at x is equal to 3 पर आपने इसकी continuity check करनी है. So देखें जरा, आप इस question को observe करें, तो basically इसमें ये है कि आपके पास function जो given है piecewise, उसमें यहाँ पर inequalities का sign नहीं है, inequalities का sign नहीं है, तो directly भी हम limit put कर सकते हैं इसमें, मतलब इसमें राइट और लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं आप, लेकिन अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है. तो लिमिट जब आपका अप्रोच कर रही है 3 को, f of x is equal to, अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तो फंक्शन हमारे पास जाएगा ना, वो फर्स्ट वाला आएगा. ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि देखें जब आप लिमिट कैलकुलेट करते हैं ना, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर लाजमी नहीं है इसका मतलब ये एग्जैक्टली 3 पर, इसका मतलब होता है 3 के सराउंडिंग में, तो बेशक ये फंक्शन 3 के लिए डिफाइन नहीं है, इसके बावजूद हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे इधर, x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3. ओके, तो देखें क्या आंसर आएगा इसका. इसमें अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो आप देख रहे हैं 0 को 0 फॉर्म बन रही है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन की जरूरत होगी, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर हम मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो x माइनस 3 आ जाएगा और साथ में x प्लस 3 आ जाएगा. ओके, और डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस 3 वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको लिख देते हैं. अब देखें x माइनस 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या बचा, पीछे हमारे पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और x प्लस 3. ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, तो सिंपली इंसर्ट 3, 3 प्लस 3 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 6. तो हमारे पास जो लिमिट आई है इस केस में वो 6 आ गई है. लेकिन दूसरी तरफ जब आप, अच्छा ये लिख सकते हैं आप, फर्स्ट पार्ट था, इसी तरह सेकेंडली आप ये देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या है. तो अगर आप ऑब्जर्व करें ना, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पर 0 है, ये आपके सवाल में गिवन है, ये देखिए इधर, एट एक्स इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो सिंपली एफ ऑफ 3 यानी 0 के इक्वल है. तो देखें लिमिट की वैल्यू 6 आई है, फंक्शन की वैल्यू आपके पास जो आई है वो क्या आई है, 0 आ गई, तो दोनों इक्वल नहीं है. यानी यहाँ पर लिख लें आप, लिमिट एक्स अप्रोच इज टू 3 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3. तो आप नीचे एक और लाइन भी लिख सकते हैं, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3. ठीक है, ये था हमारे पास सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का. सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसको स्टार्ट करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपके पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की बने, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन दो पीसीज हैं, फर्स्ट वन इज एक्स माइनस 4 एंड सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6. ठीक है, ये दो आपके पास फंक्शंस गिवन है, और जो फर्स्ट फंक्शन है यानी एक्स माइनस 4 वाला, वो है माइनस 1 से लेकर 2 तक. ठीक है, माइनस 1 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है, और इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर, सब के लिए एक्स माइनस 4 डिफाइन है. और इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 6 जो है वो 2 से लेकर 5 तक डिफाइन है, 2 और 5 के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 डिफाइन है. और इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2. ओके, स्टार्ट वहीं से करेंगे बाय चेकिंग के इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो देखें इसके लिए अगेन हमने लेफ्ट और राइट लिमिट से कैलकुलेट करना है. ठीक है, लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करेंगे देन राइट कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगी, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है. देन फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 हम फाइंड आउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम, लेट से जी चलें लेफ्ट लिमिट से हम स्टार्ट कर देते हैं. ओके, एक्स
approaches to 2 from left side, f of x is equal to, आपके पास आ जाएगा जी लिमिट x approaches to 2, माइनस का साइन अगेन इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट लिमिट है। अच्छा देखें, अब ये देखें x is less than 2 है, यहाँ पर x क्या है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा जहाँ पर हो वहाँ पे लेफ्ट लिमिट आती है, तो फंक्शन हमारे पास x माइनस 4 आ जाएगा। और फंक्शन जब हमारे पास x माइनस 4 है तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करें, दिस इज 2 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमारे पास आ गई है इसकी लेफ्ट लिमिट। सेम लाइंस पर राइट लिमिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, और यहाँ पर फंक्शन हम यूज़ करेंगे x स्क्वायर माइनस 6, क्योंकि x जब आपका 2 से बड़ा है, ठीक है, देन फंक्शन x स्क्वायर माइनस 6 है, तो सिंपली इसको लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 6। और देखें सिंपली वैल्यूज पुट करें, 2 स्क्वायर माइनस 6, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, तो आपकी जो लेफ्ट और राइट लिमिट है वो एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल भी हैं बल्कि, यानी लिख लेते हैं हम यहाँ पर x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, क्या वैल्यू आई इसकी माइनस 2, और यही वैल्यू बेसिकली हमारे पास लिमिट की भी है, यानी लिख सकते हैं आप लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। ओके सो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंडली अब हमने करना है इसकी लिमिट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 2। तो देखिए अगर आप ऑब्जर्व करें तो जब आपका फंक्शन, ये आपकी बेसिकली होती है डोमेन, ठीक है, डोमेन में देखें x इज इक्वल टू 2 है ना, जब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन आपका x माइनस 4 यूज़ हो रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x माइनस 4 को इस्तेमाल करेंगे, यानी f ऑफ 2 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 4 था तो 2 माइनस 4 लिख लें एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2। और आप देख रहे हैं लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 ये दोनों सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब क्या है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 2 सॉरी माइनस 2 एंड यही वैल्यू हमारे पास f ऑफ 2 के लिए भी आई है, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट, आप नीचे यहाँ पर एक लाइन लिख लें f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, चलें लिख लेते हैं बल्कि फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो तीन सवाल आज हमने किए हैं, अगर कहीं से आपको कहीं नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।